तो आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट थ्री से शुरुआत करेंगे। एंड अब मैं आपको जो रेसिडुअल सम्स बचे थे वो मैं करा दूंगी। एंड इसके साथ सम्स के साथ ही हम फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो आज यहाँ कुछ एडिशनली कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं आपको फॉर्मूलाज का लॉजिक बता दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इलस्ट्रेशन नंबर वन पे आ जाते हैं। अ कंपनी हैज़ 10% ऑफ परपेचुअल डेट, मतलब कि डेट की मेच्योरिटी नहीं है, मतलब कि इररिडीमेबल डेट है। द टैक्स रेट इज फिफ्ट द टैक्स रेट इज 35%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। अज्यूमिंग डेट इज इश्यूड एट पार एट परसेंट एट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब कि डिस्काउंट पे इश्यू किया है। एंड और हमने थर्ड केस में हमने देखना है कि 10% अगर उन्होंने प्रीमियम पे इशू किया तो क्या हुआ। सो इस तरीके से इररिडीमेबल कॉस्ट डिबेंचर्स की कॉस्ट बतानी है। अब फटाफट से फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला आप लिख लोगे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर नोटबुक जो भी आप रख रहे हो प्रैक्टिस के लिए। एंड जो एडिशनली आपको एक अलग से काम करना है, जब आपका पूरा सिलेबस देख के हो जाए, जब आपने पूरे सम सॉल्व कर दिए होंगे, तब ये सारे फॉर्मूलाज आप एक अलग से फॉर्मूला की बुक बनाओ और उसके अंदर लिख लेना, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पर आप ओवरव्यू कर सको फटाफट से एक साथ सारे फॉर्मूलाज के ऊपर। अब हमें ये तो मिल चुका है, नाउ हम देख लेते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। अब फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, तो के आई से हम करेंगे इसको डिनोट, एंड देन यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट जो भी आपका कैलकुलेट किया होगा आपने फेस वैल्यू ऑफ दी सिक्योरिटी उसके ऊपर, 1 माइनस टैक्स, मतलब टी मतलब कि टैक्स परसेंटेज जो भी होंगे वो, डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू। तो अगर वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा होगा तो प्रीमियम वैल्यू आप ऐड करोगे, मतलब कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्राइस करके आपको प्रीमियम वाली टोटल प्राइस लिखनी होगी। और इस तरीके से सम सॉल्व होगा। अब ये सम्स ये फॉर्मूला तो आपको पता चल चुका है, नाउ फटाफट से एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट, मतलब कि 1 लाख का डेट है उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट लेना है। सो 1 लाख इंटू 10%, इसका मतलब है कि 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना है। सो ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है। एंड हम पहले मॉडल में हम देखेंगे कि हमारा बिफोर टैक्स, मतलब कि टैक्स हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ दो एग्जाम पर आपको दो ऐसे प्रिकॉशन बोले कि आपको एक में बिफोर टैक्स लेना और एक में आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स वाला कैसे होगा वो देखते हैं। सो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स के अंदर 10,000 माइनस टैक्स करना है, क्योंकि टैक्स लेना ही नहीं है। एंड रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्या, अगर आप पार पे इशू कर रहे हो तो ये रेसिडुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 100 आने वाली, सॉरी कितनी आएगी पार पे अगर हम, ओके 1 लाख आएगी सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू जो है वो। सो यार 10% आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट। अगर सिक्योरिटी बोला है, अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं और बिफोर टैक्स, तो यहाँ 90,000 आ जाएगी। अब कैसे आया, 1 लाख माइनस 10% कर देना, तो अब आएगा आंसर 11.11%। फिर आफ्टर टैक्स वाले मॉडल में क्या होगा, 10,000 आपका इंटरेस्ट तो है, उसमें से आप 35% टैक्स माइनस करोगे, मतलब कि 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय एट पार पे, सो आंसर आएगा, यहाँ आंसर आएगा हमारा 6.5%। ओके एक मिनट, हाँ तो मतलब सेम ही प्रोसेस है। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.5%। अब मतलब आप इंडिविजुअली ऐसा निकालोगे तो बुक में शॉर्टकट क्या यूज़ किया पता है आपको, यहाँ क्या गया, बिफोर टैक्स पे आपका 10% आ गया। अब आफ्टर टैक्स के अंदर, मतलब अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो कि लाइक 10,000 1 माइनस 0.35% डिवाइडेड बाय, अगर आप ये लिखते हो कि मतलब ये फेस वैल्यू, तो बुक वालों ने क्या किया है, उनको पता है कि सिर्फ इतना ही तो लेस करना है, तो उन्होंने डायरेक्टली जो भी आपका आंसर आया फाइनल आंसर विच इज़ लाइक 10%, उसके में से ही माइनस कर दिया है क्या, जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो।
आप भी ऐसा कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन के अंदर शॉर्टकट्स लोगे तो मार्क्स फिर नहीं देंगे। तो इसकी वजह से बिफोर टैक्स का जैसे कैलकुलेट किया, आफ्टर टैक्स का भी उस वे में ही कैलकुलेट करना है। अगर शेयर्स, अगर अब सेकेंड केस के अंदर समझो, हमारे शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट 10,000 मिला, उसमें से 1 माइनस 0.35 और यहाँ 90%, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? यह आंसर आएगा हमारा 7.22%। ये एंड लास्ट, ये हो चुका। अब हमारा प्रीमियम वाला केस बाकी है ना। सो यहाँ आएगा 10,000 इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज विच इज़ 0.35, एंड यहाँ अब आपने प्रीमियम पे इशू किया तो 1,10,000 आएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 5.91। एंड यहाँ मैंने यह कैलकुलेशन नहीं किया है बिफोर टैक्स का, तो वो भी कर देती हूँ। 10,000 माइनस 1,10,000, डिवाइडेड बाई 10,10,000, 1,10,000, एंड देन 9.9% आया यहाँ कॉस्ट। तो इस तरीके से सारी सिक्योरिटीज़ की आपको कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। यहाँ बिफोर टैक्स में एक कॉस्ट ये आई थी, फिर सेकेंड मॉडल में अगर वो डिस्काउंट में इशू हो रहा था तो बिफोर टैक्स में ये आया था, एंड लास्ट में अगर प्रीमियम पे इशू हो तो कॉस्ट ये आएगी। इसी वे में अगर आप आफ्टर टैक्स कंसिडर करते तो 7.6.5 आया था फर्स्ट केस, सेकेंड केस में आया था 7.22%, एंड लास्ट में आया था 5.91%। तो इसी तरीके से पहला सम ख़त्म होता है यहाँ। अब सेकेंड सम के ऊपर आते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। अ कंपनी इश्यूज अ न्यू 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 face value to be redeemed after 10 years. The debenture is expected to be sold at 5% discount. It will also involve flotation cost of 5% of face value, and the company's tax rate is 35%. What will be the cost of debt? Illustrate the computation using trial and error method and shortcut method. आपको दो method use करनी है। Trial and error method को ही हम बोलते हैं internal rate of return method। आप यहाँ लिख सकते हो IRR method। एंड शॉर्टकट मेथड आपको पता होगी, बट अलग वे में दिया, मतलब कुछ नाम अलग करके दिया है। तो इसका सिंपली मतलब यही है, शॉर्टकट मेथड के ऊपर भी आप लिख लोगे हाइलाइटर से, मतलब जो भी आपके पास पेन होगी। शॉर्टकट मेथड का ही मतलब है YTM अकॉर्डिंग टू बुक, मतलब कि बुक की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बोलेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। ये हमने आगे किया हुआ ये मेथड जब हमने बॉन्ड्स का वैल्यूएशन किया था, तब तो वहाँ जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाले हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी जो है वो डिबेंचर इश्यू कर रही है, वो भी कितने 5% डिस्काउंट पे, और उसके ऊपर उसके 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगी है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ नेट प्रोसीड के बारे में बता रहा है कि उसकी फेस वैल्यू तो 1,000 रुपीज़ है, उसमें से उसने 5% डिस्काउंट दिया है। तो मतलब 5% डिस्काउंट मतलब क्या, 1,000 में से अब आप 5% लेस करोगे, मतलब कि 50 रुपीज़ लेस करोगे तो आंसर आएगा 950। और बोला उसने फ्लोटेशन कॉस्ट भी लिया, तो आप ये नोट करके लिख देना कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, यहाँ दिया है कि 5% ऑफ फेस वैल्यू। सो और 50 रुपीज़ लेस करोगे तो आपको डायरेक्टली नेट प्रोसीड मिल जाएगी। सो नेट प्रोसीड हमें मिल चुकी है 900। अब इसका कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली करूँगी जब फॉर्मूला सॉल्व होगा तब। तो आप ये कैलकुलेशन अच्छे से जब नोटबुक में लिख रहे हो तो आप अच्छी वे में कर देना, एंड बाद में फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। अब सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड ही देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड तो बहुत ईजी, आप ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। टैक्स रेट को भी यहाँ ध्यान में लेना है, विच इज़ लाइक 35% है। तो किस वे में कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ना ट्रायल एंड एरर मेथड का आपका ये फर्स्ट सम होगा शायद से, तो यहाँ फॉर्मेटिंग जो है वो आप अच्छी तरीके से देख लोगे। यहाँ पहले हम ईयर्स का डेटा लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर्टिकुलर्स मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन है वो, फिर कैश फ्लोस मतलब कितना आप कमा रहे हो कंपनी अपनी अर्निंग्स के ऊपर वो, यहाँ हमारा ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के कौन सी रेट से हम डिस्काउंटिंग करने वाले हैं। यहाँ आपके कैश फ्लो इनटू आप डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे तब आपको आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फिर यहाँ एक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे ताकि और डिस्काउंटिंग करें, एंड देन आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा। इस तरीके से दो रेट से डिस्काउंटिंग करनी, फिर इन दोनों का एवरेज लेंगे, बट एवरेज सिंपली एवरेज नहीं लेना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
सो आई होप सबको फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद रह गई है, तो हम फटाफट सम ही शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी की जो नेट प्रोसीड है इनिशियली, तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ एट ईयर वन लिख सकते हो आप इनिशियल कॉस्ट, कैश फ्लो कितना है 900। इसको आप नेगेटिव में लिखो, क्योंकि तब जब आप आगे की कॉस्ट इसमें से माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ओ मतलब 900 माइनस में, तो आप इजीली बिना कंफ्यूजन के वो कॉस्ट माइनस कर पाओगे। अब 0.7% से डिस्काउंटिंग करनी है, इसका मतलब इनिशियली तो मतलब अभी तक प्रेजेंट पोजीशन पे तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगी 900 की 900 ही रहने वाली है ना वैल्यू, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ आपको फिर 900 × 1 करोगे तो 900 ही आंसर आने वाला है। यही सेम अगर हम फर्स्ट ईयर पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेजेंटली तो हमारी 900 की वैल्यू 900 ही रहने वाली है ना, तो इसकी वजह से यहाँ भी 900 आने वाला है। अब सेकंड फैक्टर जो है, अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ 10 ईयर्स की लाइफ बोली है सिक्योरिटीज़ की, तो यहाँ लिखोगे आप 1 to 10 ईयर्स, है ना। आप यहाँ ईयर ज़ीरो लिख दो, अगर ईयर ज़ीरो लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनिशियल कॉस्ट। एंड अगर वन लिख, हाँ यस ज़ीरो लिखोगे यहाँ, या मैंने गलती से 1 लिख दिया था, आप ध्यान में रखना, या ज़ीरो नहीं, या 1 नहीं ज़ीरो ही आएगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यहाँ लिख दो इंटरेस्ट 1 - टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना आया था हमारा, 1000 फेस वैल्यू पे 10% इंटरेस्ट लेना है विच इज़ लाइक 100 रुपीज़, उसमें से टैक्स माइनस करोगे 35%, तो आपका आंसर आएगा 65 रुपीज़। अब इसको हम 10 इयर्स के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे, तो सिंपली इसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से लिखोगे, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, बट एग्जामिनेशन के अंदर कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं लिखना है। यहाँ आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर निकालना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर मैंने आपको पिछले सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मतलब अब आपको कैलकुलेशन आता होगा ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब है इस 10 ईयर के दौरान कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है टोटली, मतलब सम अप करना उन सारे इंटरेस्ट की आज भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, हम यहाँ 7% अज्यूम कर रहे हैं, सो 1 प्लस 0.07 फॉर 10 ईयर्स। एंड यहाँ आपको GT फंक्शन यूज़ करना है, तो क्या करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, 1 divided by 1.07, 10 times प्रेस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना आया 0.508। उसको GT प्रेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.02, जो कि यहाँ भी आंसर इनका भी यही आ रहा है 7.024। अब क्या करोगे आप, अब 7.024 को मल्टीप्लाई कर दोगे 65 × 7.024, आंसर आया है 456.56। एंड यहाँ पे आपको अब ये वाला कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे, अभी पहले इतना पार्टी टेबल का इतना पार्टी कवर करेंगे। अब लास्ट में 10th ईयर पे आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो रिडम्पशन वैल्यू, विल्ले वाली है 1000 रुपीज़। और यहाँ अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ आपको प्रेजेंट मतलब यहाँ इधर लिख देती हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर, यस, एंड यहाँ निकालोगे आप हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। सो अब 7% की डिस्काउंटिंग से हमें 10th ईयर में मिलने वाले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो आप करोगे 1 divided by 1.07 इंटू नहीं करना सॉरी इक्वल टू, आप 10 टाइम प्रेस करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
तो आपका आंसर आया 0.508। तो वो ही सिंपली लिखना है, बुक में भी यही आंसर है। यस, इनका भी यही आंसर आया है यहाँ, 0.508, राइट। अब क्या करना है वो आगे देखेंगे। नाउ अब इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब इन दोनों का आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ आएगा, विच इज़ 1000 × 0.508। सो यहाँ आंसर आया है 508, राइट। सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट बाय 8%, 1/0.08 फॉर 10 ईयर्स, 1/0.08, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ अगर मैं 10 टाइम ये जी टी फंक्शन प्रेस कर दूँगी, 10 टाइम्स प्रेस करने के बाद जी टी फंक्शन, तो मेरा आंसर आता है यहाँ 6.71। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसको अब मल्टीप्लाई किसे करना है वो ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई करना है ये 65 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6.71 से, सो 65 × 6.71 विच इज लाइक 4, 4, 3, 6.115। सेम वे अब आपको 10th ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसको आप 8% से डिस्काउंटिंग करोगे, तो आप क्या करोगे 1/1.08, अब 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर आया है 0.463। तो इनका भी यही है 0.463। तो यहाँ भी हम लिख देंगे ओके 0.463। अब आप यहाँ ये जो आपका आंसर है 0.463 को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ वाली अमाउंट से, तो ये वाली अमाउंट आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा 463। अब क्या करोगे, अब टोटल करना है, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, टोटल सिक्योरिटी का आपको कितनी बेनिफिट हो रहा है, नेट बेनिफिट अब आपको मिलेगा। सो किसका टोटल करना है वो भी देख लेना। टोटल अब ये वाला कॉलम जो है, इस वाले कॉलम का टोटल करना है, देन इस वाले कॉलम का टोटल करना है। सो यहां पे रहता 900 माइनस में है, सो 900 माइनस में ले लो 900 एंड प्रेस, अब प्लस माइनस का जो बटन है आपके कैलकुलेटर के ऊपर, आपको वहाँ माइनस, क्योंकि एक बार प्रेस करना तो माइनस 900 आ चुका है, अब प्लस करोगे उसके अंदर 456.56 + 508, तो आपको नेट बेनिफिट यहाँ जो होगा वो 64. नेट बेनिफिट जो है वो मिल रहा है यहाँ 64.56, मतलब ये यहाँ NPV पॉजिटिव आ रही है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV पॉजिटिव आ रही है यहाँ। एंड सेकंड प्रपोजल में क्या हो रहा है, 900 माइनस पे ले लिया, 900 प्रेस प्लस माइनस का बटन, देन प्लस 136.15 + 463, तो आंसर आएगा -0.85। मतलब आप यहाँ देख रहे होगे कि एक में मेरा NPV पॉजिटिव है, NPV का मतलब ही होता है कि हमें नेट बेनिफिट कितना मिलना है ओवर हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो अगर हम 7% का 7% की कॉस्ट से अगर ये इश्यू करते तब हमारी NPV पॉजिटिव आ रही, मतलब वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। एंड इस अगर 8% डिस्काउंटिंग करेंगे तो वहाँ NPV नेगेटिव आ रही है। NPV नेगेटिव का मतलब ही यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें कम मिल रहा है। तो इस वे में अब आगे जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली 8% क्यों दिया है, इसका कोई परफेक्टली क्लू नहीं है, क्योंकि आगे इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी नहीं सिखाना चाहूँगी, आगे एक और सम आएगा उसके अंदर हम परफेक्टली सीख लेंगे। तो अभी तक आप यहाँ क्या करोगे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इन दो टेबल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे, मतलब कि ये जो मैंने टेबल का कैलकुलेशन बताया है आप वही फॉलो करने वाले हो। सो कैश फ्लो, सॉरी आप यहाँ लिख दोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स,
एनपीवी ऑफ डिबेंचर्स आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देना। अब सम का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब सेकेंड पार्ट में बोला शॉर्टकट मेथड से भी इस सम को सॉल्व कर दो। किस तरीके से शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे? सबसे पहले ना हेडिंग दे दो शॉर्टकट मेथड, इसको ही हम बोलते हैं YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी मेथड। आपने बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर फॉर्मूला अगर आपने रिवाइज किया होगा तो अब इजीली आप बोल पाओगे। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, मतलब मेच्योरिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंगली एन, फिर आएगा रिडम्पशन वैल्यू माय प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज। ये फॉर्मूला है। अब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन के ड्यूरिंग पता चल चुका है, अगर 100 रुपीज़, अब कैसे ये हुआ होगा क्योंकि फेस वाली सिक्योरिटी 1000 रुपीज़ है, उसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस 0.35% ऑफ टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू, तो है वो फेस वैल्यू, हम रिडम्पशन वैल्यू अज्यूम करें। नेट प्रोसीड हमारी 900 हमने कैलकुलेट की थी, डिबेंचर्स की लाइफ है वो 10 ईयर्स है, एंड डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड का आप एवरेज ले लो। इसको सॉल्व करो, पूरा आंसर मिल जाएगा आपको 7.9%। अब 7.9% एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन के ड्यूरिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा 7.890, तो उसका ही मतलब है कि 7.9%। तो इतना तो आप कर सकते हो अब आगे, एंड इससे मेरी शॉर्टकट मेथड यहाँ ख़त्म होती है। अब नाउ नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं, सम नंबर 3, जो आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ इर ओके, ये सेम मेथड ही फॉलो की है और कुछ भी नया नहीं दिया है। सो कंपनी इश्यूज 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ फॉर एन अकाउंटिंग एग्रीगेटिंग ऑफ 1000 फेस वैल्यू, ओके 1 लाख फेस वैल्यू एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, कंपनीज टैक्स रेट इज 35%। नाउ शॉर्टकट मेथड से यूज़ करना है, YTM ही आपको फॉलो करना है, मतलब कि ये कैलकुलेशन आप अब आप खुद करोगे। मैं हर एक कैलकुलेशन आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट की लिमिट है। एंड ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तब जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप जाना, आंसर मिल जाएगा। ना मिले तो फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। इलस्ट्रेशन 4, कंपनी इश्यूज 10% डिबेंचर्स एग्रीगेट ऑफ 1 लाख रुपीज़, मतलब कि उसकी एग्रीगेट वैल्यू इतनी होगी, एंड अब एग्रीगेट वैल्यू दे दी तो इसका मतलब आपको इंडिकेशन दे रहा है ना कि आपको 1000 फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो 1000 के ऊपर 10% कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू देखोगे 1 लाख पे 10%, सो विच इज़ लाइक 10000 रुपीज़। ये कैलकुलेशन हो चुका है हमारा, आप फेयर बुक में भी इस तरीके से पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 5% है, और फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इश्यू के टाइम पे ही नॉर्मली लगता है। कंपनी रीपे टू एग्री डिबेंचर्स एट 5 इंस्टॉलमेंट, ओके 5 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ये पे करेगी, एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 1, ओके ईच ईयर, ओके मतलब हर एक ईयर के एंड पे वो 20000 20000, मतलब कि 1 लाख जो आपकी टोटल वैल्यू है उसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको हर एक इंस्टॉल, मतलब हर एक ईयर एंडिंग पे 20000 पे करना ही है कंपलसरीली, क्योंकि कंपनी ने इस पॉलिसी, मतलब इस कंडीशन पे ही डिबेंचर इश्यू किया कि भाई हम आपको रिडीम कर देंगे आपके डिबेंचर हर साल इक्वल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, मतलब रिडीम कर देंगे। सो 20000 कंपनी ईच ईयर पे करने वाली, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी प्लस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो होगा ही। द कंपनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 35%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेट। तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ, मैंने दूसरी पीडीएफ में आंसर सॉल्व किया है,
यहाँ अगर ये मेरे कैलकुलेशन के मतलब ये अगर आप नहीं देखते और आप इतना ही फॉलो करते हो ये वाला जो कैलकुलेशन है, आपको कुछ भी नहीं समझने वाला है। अब सबसे पहले कैलकुलेशन के अंदर हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो कर लिया, अब नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। नेट प्रोसीड को आपके इक्वेशन के अंदर दिया है कि नेट प्रोसीड जो है वो 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कि 1 लाख के ऊपर 4% फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज़ 4000। सो 1 लाख में से 4000 माइनस करोगे तो 96000 आया टोटली आपके पास। ये नेट प्रोसीड, ये फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट। सो फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट ये हो चुका, तो नेट प्रोसीड आपको कुल इस तरीके से मिलेगी 1 लाख, जो कि टोटल नेट प्रोसीड उसमें से 4 लाख आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, सॉरी 4000, तो 96 मिल जाएगा। नेट प्रोसीड एंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आई होप सो आपको क्लियर है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा याद रख लेना ताकि हम जब सम देखें तब आपको ऐसा ना हो कि भाई नेट प्रोसीड कहाँ से आया। नेट प्रोसीड 96000 आया, इंटरेस्ट हमारा आया है 10000। अब टोटल इक्वल इंस्टॉलमेंट भी हमें मिल चुका है कि भाई हमारा कैश फ्लो के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट 20000 होने वाली है। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा वो हर एक ओवरड्यू अमाउंट पे ही चार्ज होगा, जैसे कि अब ओवरड्यू अमाउंट का कैलकुलेशन मैं आपको वहीं बताऊंगी, अभी यहाँ बता के मतलब नहीं, मैं फटाफट सम आपको बता देती हूँ। सो सॉरी आपको बाजू में नॉइस आ रहा होगा, बट कोई मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, सो कुछ नए नए पड़ोसी आए और उनके बच्चे मतलब बहुत शैतान बच्चे पूरे दिन रोते ही रहते हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग्स ना करूं, ये करना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा वॉइस आप चला लेना। सो सॉरी फॉर इन अनकन्वीनियंस। 1 लाख रुपीज़ हमारी जो फेस वैल्यू थी उसके अंदर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 20000 20000 20000 5 ईयर्स के अंदर आप पे करने वाले हो। यहाँ ईयर्स मैं लिख लेती हूँ, इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे एग्जामिनेशन के अंदर भी। प्लस इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ओवरड्यू अमाउंट, ऑन ओवरड्यू अमाउंट। ओवरड्यू अमाउंट का ही मतलब है कि अगर पहले साल के अंदर हम 10% से इंटरेस्ट पे करते हैं 1 लाख के ऊपर, तो 10000 आता है, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको टोटली नेट में मिलेगा 6500। तो अब नेक्स्ट ईयर तो हमारे पास अमाउंट 80000 ही बची, क्योंकि 20000 की इंस्टॉलमेंट तो पे कर ली, तो अब उसके ऊपर इंटरेस्ट हम क्यों पे करेंगे। सो इसकी वजह से अब नेक्स्ट ईयर जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे वो आप करोगे 80000 के ऊपर, फिर 80000 के फिर थर्ड ईयर के अंदर 60000 भी, क्योंकि 20000 और पे कर दिया, फिर 40, फिर 20, इस तरीके से वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। फिर इसमें से क्या करोगे आप फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट ओके। सो मैंने क्या किया डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ, या मैंने पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिए, फेस वैल्यू जो होगी उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयर 1 पे, जो कि 10000 होगा, और उसमें से टैक्स परसेंटेज आप माइनस करोगे तो आपको 6500 का कैश फ्लो मिल चुका है, जो कि यहाँ भी है हमारा। तो इस तरीके से ये एक अमाउंट आपको क्लियर हो चुकी है। अब सेकेंड, ये 5200 कैसे आया तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ मैं 80000 या मैंने 80000 एक्चुअली मुझे यहाँ 80000 लिखना था, बट मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए क्या किया है, 1 लाख में से मेरा 20000 मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है ईयर 1 की, तो अब मेरा ओवरड्यू अमाउंट कितना है 80000। 80000 के ऊपर 10% लोगे तो 8000 आया। अब उस 8000 में से आप क्या करोगे, 35% माइनस करोगे 8000 माइनस 35%, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5200, जो कि यहाँ आया आंसर। इस तरीके से ईयर 3 का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 लाख में से 40000 लेस करोगे, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो उस पर इंटरेस्ट क्यों आएगा। सो 1 लाख माइनस 40000 लेस, कि 60000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट है विच इज 6000 रुपीज़, उसमें से 35% आप माइनस कर दो टैक्स तो आएगा 3900, जो कि कैलकुलेशन यहाँ आया है इस तरीके से। फिर 2600 का भी ऐसा ही होगा, एंड 1300 ऐसे ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसका मैंने यहाँ रेफरेंस, अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर वर्किंग नोट्स करते हो इसका रेफरेंस नहीं देते तो उस वर्किंग नोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ मैंने यह सबका एक ही साथ रेफरेंस दे दिया, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर अब
जब हम कैश फ्लो सॉरी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा इंस्टॉलमेंट प्राइस। तो इस तरीके से ये जो हमारी सारी अमाउंट आई है इसको ही हम बोलते हैं कैश फ्लो। अब इस कैश फ्लो को हम जब डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें अच्छे से मिल जाएगा। सो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, कैश फ्लोज सारे ले लिए। तो कैश फ्लोज जो ये अमाउंट है, ये सारी अमाउंट जो है कैश फ्लोज की, यहाँ मैंने ले ली। सिंपल। अब दो रेट से डिस्काउंटिंग क्यों करोगे, क्योंकि तो आपको क्वेश्चन के अंदर रेट दी नहीं है। तो अब दो रेट से कैलकुलेशन करना नेसेसरी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैं फिर से बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक सो, क्वेश्चन नंबर 4 यस। तो यहाँ आपको कहीं भी डिस्काउंटिंग रेट नहीं दी है, डिस्काउंटिंग रेट दी नहीं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग रेट में डिफरेंस होता है। डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया मतलब क्वेश्चन आपको बता रहा है आपको रेट फाइंड आउट करनी है। सो अब रेट फाइंड आउट करने के लिए हम अजम्पशन ले सकते हैं, या तो हम 7% से करेंगे डिस्काउंटिंग या 8% से। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 7% से करना है और 8% से। तो इसका लॉजिक ये है, आप कोई एक ऐसी रेट लोगे सबसे पहले नज़दीक, मतलब कि लाइक 10 to 1 to 12 या 13 के अंदर एक रेट ले लोगे, उसके ऊपर आपकी NPV नेगेटिव आती है, तब सेकेंड टाइम आपको रेट मतलब बढ़ा देना होगा। सिंपल। इस अप्रोच का कंक्लूजन ये है कि आप रेट कैसे लोगे, तो रेट का फंडा यही है। मैं आपको लिख के बता दी, आप इंपॉर्टेंट नोट्स करके लिख लेना IRR मेथड के लिए, इंपॉर्टेंट नोट। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आप कैलकुलेट करोगे, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए ही आप रेट किस वे में कैलकुलेट करोगे। तो देखो, अगर आपकी NPV मतलब यहाँ कोई भी रेट होगी, आपकी जो भी परसेंटेज होगी उसके ऊपर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपकी रेट जो है वो ज़्यादा आ चुकी है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जो डिस्काउंटिंग करोगे, सो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर आप मतलब आपकी जो रेट है करंट रेट से जो 10% है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको एक पॉजिटिव रेट भी तो लेनी पड़ेगी। सॉरी NRV लिख रही हूँ मैं, NRV नहीं NPV आता है, NPV एंड दूसरा यहाँ NPV। अब मुझे एक पॉजिटिव रेट लेनी होगी, तो यहाँ अगर मेरी यहाँ नेगेटिव आ चुकी है तो अब मुझे पॉजिटिव लेने के लिए क्या करना होगा, एक परसेंटेज चूज़ करना होगा ताकि मेरी NPV पॉजिटिव आए। तो अगर 10% के ऊपर नेगेटिव आ रही है, मतलब मुझे अब इससे और कम लेना होगा ताकि मेरी पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ समझो मैं 8% लेती हूँ। तो यही बेसिक लॉजिक यही है कि अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप लेते हो उसके अंदर आंसर नेगेटिव आता है, तब आपको फिर नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव लाने के लिए आप उसको आप और लेस करोगे, मतलब 10 से कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर इन केस NPV आपने कोई समझो 15% ले लिया है, प्रेजेंटली आपने 15% ले लिया है और उसकी वजह से आपकी NPV यहाँ पॉजिटिव आ रही है, सेकेंड केस के अंदर नेगेटिव लाने के लिए फिर आपको NPV जो होगी वो यहाँ अब क्या करना होगा, रेट बढ़ा देनी होगी। तो अब बढ़ा के समझो आप यहाँ 20% ले लो। आई होप सो आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। या मैं 15 या 10% कोई मैं यहाँ सेम ही रेट ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। या समझो मैंने 5% लिया, सॉरी 8% लिया, तो मेरी NPV यहाँ पॉजिटिव आई। सेम केस अगर आपको नेगेटिव लेना है तो आप 10% मतलब रेट बढ़ा दोगे तो इतना नेगेटिव आ जाएगा। सो इसी वे में कैलकुलेशन के अंदर ये है कि मैंने यहाँ एक 7% का, यहाँ मैंने 11% का, नहीं सॉरी 7% का रेट लिया है एंड देन यहाँ 8% का रेट लिया। अब कैश फ्लो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो 7% सिंपल डिस्काउंटिंग करनी होगी। हर एक साल की हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ही निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ही निकालना है हर एक साल का। सो यहाँ 7% से अगर मैं डिस्काउंटिंग कर रही हूँ, मतलब आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.07 प्रेस इक्वल टू ओनली 1 टाइम्स, तो आपको आंसर आएगा 0.345। तो उसको ही मैंने लिख दिया 0.934 ना आया,
फोर आया, तो 0.934 को ही हमने ऐसे ही एग्जाम्पल बुक में अंदर जैसे राउंड ऑफ किया था वैसे ही मैंने लिया, तो 0.935 लिया है। फिर एक बार आप और प्रेस करोगे इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा 0.873। फिर एक बार और प्रेस कर दो तो आंसर आएगा 0.816। फिर एक बार और प्रेस 0.763 एंड 0.713। इस तरीके से आपका इतना कैलकुलेशन हुआ होगा, आई होप सो। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब आप क्या करोगे, आप कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो ढूंढ लोगे। सो इनको यहाँ से मतलब इसके साथ इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो ढूंढोगे। फिर अब 0.8 के ऊपर डिस्काउंटिंग करनी है। सिंपल क्या करना है, आप ये वाली जो फिगर्स है, ये वाली फिगर्स जो है वो आपको मैं ढूंढने सिखा रही हूँ, 1 / 1.08 करो, प्रेस इक्वल टू 0.9259, मतलब 926। एक बार और प्रेस करो तो 0.8857 आए, एक बार और प्रेस करो, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचना है, विच इज़ 0.681 तक। तो इस तरीके से कैश फ्लो आ चुका है। अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ का जो कैश फ्लो आया है, ये कैश फ्लो जो है सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के जो भी आंसर्स आए उसको इस कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और सबसे पहले आप लोगे 26,500 इंटू 0.926, आंसर आया है 24,539। इस तरीके से सेकेंड का कैलकुलेशन देखते हैं तो 2,52,000 इंटू 0.857 ये वाली अमाउंट, आंसर आएगा आप कितना 21,569। तो ऐसे करते करते ये पूरी अमाउंट फाइंड आउट कर लो, ये भी पूरी अमाउंट, फिर यहाँ का टोटल देख लो। अब जहाँ हमारी इट शुड बी चोजन लोअर द लोअर जो कॉस्ट होगी वो आप ले रहे हो इसके अंदर, यहाँ भी डायरेक्टली ये कैसे आया है ये आगे और समय आएगा उसके अंदर अच्छे से पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगी, और वो फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिस करोगे बाद में ही याद रहेगा आपको। तो इसके साथ ये फोर्थ नंबर का सम है वो सॉल्व होता है, एंड उन्होंने सिर्फ जहाँ मतलब कम कंपनी को कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली 8% का डायरेक्टली रेट बता दिया है, बट ये अच्छा वे नहीं है। एक्चुअली उनको फॉर्मूला देना चाहिए था बट उन्होंने यहाँ तक नहीं दिया, तो फिर मैं भी आपको यहाँ तक नहीं सिखा मतलब वो फॉर्मूला अभी नहीं सिखाऊंगी, आगे वाले सम में देखेंगे। अब कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर के अंदर फॉर्मूलाज है कुछ, वो फॉर्मूलाज भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बहुत ही नया कंसेप्ट है सबके लिए, क्योंकि आगे मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया था, क्योंकि आगे हमने सिर्फ बॉन्ड वैल्यूएशन देखा, डिबेंचर्स का देखा, लिक्विडिटी का देखा, प्रेफरेंशियल कैपिटल वहाँ नहीं था कंसेप्ट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल कैपिटल के अंदर एक होते हैं रेडीमेबल और दूसरे होते हैं इररेडीमेबल, दोनों का मीनिंग अभी आपको पता होगा। अब जो हमारे रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका कैलकुलेशन जो होगा वो सेम, यहाँ आपको सिर्फ इंटरेस्ट हमारे पिछले फॉर्मूला में हमने देखा था क्या इंटरेस्ट, बट यहाँ अब आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड आएगा, सो इसके अंदर डिविडेंड टैक्स भी तो होगा, बट वो क्वेश्चन के अंदर आएगा तब देख लेंगे। अब हम सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड ही अज्यूम कर रहे हैं। सो ये फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। फिर इसके अंदर रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो नेट प्रोसीड एंड देन नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो, इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए, अगर समझो आपकी प्रेफरेंस शेयर जो इररेडीमेबल है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू P0, मतलब कि डिविडेंड पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड जो भी आपको मिल रही है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना। तो इस फॉर्मूला का सिंपल ये फॉर्मूला जो है इसको और आसान बनाने के लिए मैंने जो कंक्लूजन डिराइव किया है वो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको। वो फॉर्मूला है यहाँ, ये वाला फॉर्मूला आप खुद भी लिख लोगे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू P0 मतलब कि मार्केट प्राइस जो भी P0 मतलब कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड, P0 मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड आप समझ जाना, इन ब्रैकेट 1 + टैक्स परसेंटेज जो भी होगा वो प्लस करोगे, हमने इंटरेस्ट के अंदर टैक्स माइनस किया था, बट याद रखना प्रेफरेंस के अंदर टैक्स प्लस करोगे। अब
फिर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इतना काफ़ी है, आगे का पार्ट जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। इसके अकॉर्डिंगली सम देख लेते हैं। तो बुक में भी कुछ खास ऐसा कुछ अलग से किया नहीं, जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही यहाँ भी है। ये नेट प्रोसीड की जगह यहाँ उन्होंने पी ज़ीरो लिखा है। पी ज़ीरो का मतलब ही होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या फिर नेट प्रोसीड। सो आई होप सो ये फॉर्मूला क्लियर है आपको। एंड अब आ जाते हैं फटाफट सम नंबर 5 के ऊपर। तो कंपनी इश्यूज 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़। तो यहाँ आपको 11% से कैलकुलेशन करके डिविडेंड मिल चुका होगा रुपीज़ 11। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% अज्यूम करनी, मतलब कि 1000 के ऊपर 100 के ऊपर 5% लेना है, तो मतलब 5 रुपीज़ आ चुकी है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ़ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट पार, इफ़ इशूड एट प्रीमियम एंड इफ़ इशूड एट डिस्काउंट। Also compute cost of preference share in this situation assuming 13.125% of dividend tax। तो यहाँ सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो टेस्ट होने वाला है। फॉर्मूला बस याद रखना, फॉर्मूला जो मैंने दिया है वही है, इसके अंदर कोई अलग से चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी, मतलब कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स 1 प्लस जो भी टैक्स है, कौन सा टैक्स, डिविडेंड टैक्स, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सबसे पहले ये फॉर्मूला के साथ आप क्वेश्चन रीड करते तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर, फिर आपको डिविडेंड टैक्स भी मिल जाएगा। अब आपको अज्यूम करने के पहले हमारे शेयर्स जो है वो इश्यू एट पार है, मतलब कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपको 11 है, ओके 11 रुपीज़। एंड यहाँ दूसरा इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर तो हम एट पार पे ही लेंगे। सो मतलब फर्स्ट पार्ट है कि भाई हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड निकालना है। इसके अंदर अज्यूम करो कि आपका कोई डिविडेंड टैक्स नहीं है, वो पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन में आपको कोई डिविडेंड नहीं लेना है। सो डिविडेंड टैक्स नहीं लेके सिंपल हमारा जो डिविडेंड है 11 रुपीज़, उसमें से अभी तो कोई टैक्स नहीं लेना, तो टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तब टैक्स हम जीरो ले लेते हैं। नहीं, जीरो भी नहीं लेना है, कुछ भी मत लेना, जीरो के अगर 11 × 0 करो तो आंसर जीरो आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। सो 11 लेना क्योंकि टैक्स इग्नोर कर रहे हैं। नेट प्रोसीड आपको कितनी मिल रही है, 100 रुपीज़, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट 5% माइनस कर दो। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर। सो 11 5% अगर लेस कर 95 है तो आंसर आएगा, बेसिक कैलकुलेशन 11 / 95। तो आंसर आया है 0.1157 इंटू 100 कर दो तो कि 11.57%। 57 का मतलब ही है 6%, 11.6%। तो एट पार पे कैलकुलेशन हुआ। सेकेंड टाइम जब आप प्रीमियम पे कैलकुलेशन करोगे आंसर कुछ भी नहीं बदल, मतलब फॉर्मेटिंग सेम रहने वाली है। मैं तो यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, आप शॉर्टकट मत यूज़ करना, आप इंडिविजुअली हर एक सम सॉल्व करोगे। डिफरेंस यही आएगा, यहाँ आप पार पे वैल्यू लेने, अब आपको लेनी है सेकंड के अंदर प्रीमियम पे 10%, मतलब कि 1000 के ऊपर आप 10% ले लोगे तो 110 रुपीज़ आ जाएगा। माइनस 5% कर दो, सो कितना है 110 - 5%, तो अब आएगा 104, सो 104.5। अब माइनस सबको डिवाइड करो तो 11 - 104.5 आंसर आया 0.1052 इंटू 100 कर दो, सो 10.52 या 10.5 वॉट एवर इट इज़, जो भी है आंसर तो एक ही है। फिर आया इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के अंदर भी कुछ ऐसा मैं अलग से ज्ञान नहीं बांटने वाली हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ आएगा अलग से आंसर। कैसे आया 90 रुपीज़, 100 में से 10% लेस, सॉरी 10% नहीं, इशू डिस्काउंट 5% बोला है ना, तो 5 रुपीज़ ही लेस, मतलब 5% लेस करोगे आप, सो 5% मतलब कि 95 रुपीज़ आएगा, 95 रुपीज़ आएगा।
एंड ये 5% का कैलकुलेशन ना आप फेस वैल्यू पे करना हमेशा, मतलब कि यहाँ 5 रुपीज़ ही लेस होंगे, 5% लेस मत करना, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट ये है। नेट प्रोसीड आपकी 95 आई तो आपको पता चल रहा डिस्काउंट 5% लेस किया है। अब क्या करोगे, 100 के ऊपर ही 5% लोगे, विच इज़ 95 माइनस 5 रुपीज़, तो आपको 90 आंसर आया है, तो 11/90 करो, सो आंसर आएगा 11/90, 0.12222222 into 100 कर दो तो आ जाएगा आंसर 12.22222222। ओके, सो यहाँ ये वाला कैलकुलेशन मैंने कर दिया है होपफुली। अब सेकेंड पार्ट जो है उसके अंदर हम डिविडेंड टैक्स कंसिडर करने वाले हैं, डिविडेंड टैक्स कंसिडर करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल डिविडेंड 11 तो वैसा का वैसा है, 1+ ये यहाँ कौन सा डिविडेंड टैक्स कितना दिया हुआ है, डिविडेंड टैक्स आपको टैक्स आपको 13.25% दिया है, 13.125%। इसको ही हम अगर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करें तो ये ऐसा हो जाएगा 0.13125, तो उसको ही हम यहाँ ऐड कर देंगे 0.13125। नेट प्रोसीड 100 रुपीज़ माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 5% ऑन 100, एंड ये पार्ट अब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो इतना अब लिखा आपने, अब एट पार पे रिडीम हो रहा है तो मैंने यार सॉरी नेट प्रोसीड अगर हम इश्यू एट पार कर रहे हैं तो यहाँ 100 लेने, बट क्वेश्चन के अंदर आपकी कंडीशन बदलेगी वैसे वैसे नेट प्रोसीड भी बदलने वाला, मतलब इश्यू प्राइस बदलेगी। अब 1+03125 इंटू 11 कर दो तो आंसर आएगा कितना, 12.44 डिवाइडेड बाई या 95, तो आंसर आया है 0.1309 इंटू 100 करो तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 13.09, विच इज़ अल्सो कॉल्ड एज 13.1%, जो कि यहाँ आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन के अंदर मैं बार बार एक ही कैलकुलेशन रिपीटेटिव नहीं बता सकती हूँ, तो मैं शॉर्टकट ही यूज़ करने वाली हूँ। ये यहाँ 12.44 तो आपने आई होप सो ये तो सेम का सेम ही रहने वाला है, कौन सा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन सेम का सेम ही रहेगा, ये वाला चेंजेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने मिलेंगे, यहाँ ही सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ प्रीमियम पे ये सेकंड कंडीशन बोला है कि भाई प्रीमियम पे अगर कंपनी इश्यू कर रही है तो 110 आ जाएगा माइनस 5% ऑन 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पे ही, तो 12.44 डिवाइडेड बाय कितना आया आंसर यहाँ 104.5, सो 12.44 डिवाइडेड बाय 104.5, तो 0.1190 इंटू 100 कर दो तो यहाँ आंसर आएगा 11.90, क्लियर। एंड इट डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का कैलकुलेशन बता ही देती हूँ, चलो 95 आएगा क्योंकि 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। अब 12.44 डिवाइडेड बाय 90 करो आंसर आ जाएगा 0.1382222। अब उसको इंटू 100 कर दो तो 13.8 आंसर आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक कैलकुलेशन आपके हो रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड यहाँ से ही आपकी ट्रू टेस्ट होने वाली है। अब इस क्वेश्चन की क्वेश्चन का टाइटल आप अच्छे से पढ़ लोगे, मैं बार बार क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि दूसरी स्लाइड्स पर जाऊँगी तब फिर दोनों स्लाइड एक साथ प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। ABC लिमिटेड हैज़ इश्यूड 11% प्रेफरेंस शेयर, तो आई होप सो आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कि 100 के ऊपर 11% मतलब कि 11 रुपीज़ जो डिविडेंड आने वाला है, विच इज़ रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 5% लेना है, मतलब कि आपकी 1100 जो फेस वैल्यू उसके ऊपर 5% लेस कर दोगे, फेस वैल्यू के ऊपर ये लेना है हमेशा।
तो 95 रुपीज़ आपकी रोटेशन सॉरी नेट प्रोसीड आ रही है, इतना आपको यहाँ पता चल चुका होगा। 10 ईयर्स की उसकी लाइफ है। एंड क्या आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, तो आपको रेट नहीं दिया, मतलब कि दो रेट आप अज्यूम करोगे एंड मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अकॉर्डिंगली। सो कैश फ्लो यहाँ देखो, नेट प्रोसीड इनिशियली आपके मैंने 95 आपको कैलकुलेशन करके बताया था, 100 के ऊपर 5% रोटेशन कॉस्ट लेस कर दो तो 95 बचा वो। अब 11 रुपीज़ आपका प्रिफरेंशियल डिविडेंड हर साल आपको मिलने वाला है, तो वो 1 to 10 ईयर्स के अंदर इतना, इसमें से 10 ईयर के ऊपर 10 ईयर्स के मेच्योरिटी के ऊपर आपको फेस वैल्यू जितनी प्राइस मिलने वाली, क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू एडिशनली नहीं दी है, तो 100 अज्यूम कर रहे। अब 11% से मैंने डिस्काउंटिंग ऐसे ही मैंने अपने मतलब मन से लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। 11% से डिस्काउंटिंग करोगे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के ऊपर, तो कोई हमें नेट प्रोसीड मिलने नहीं, मतलब कैसे हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होगी, मतलब फर्स्ट ईयर पे जो वैल्यू है प्रेजेंटली वही रहने वाली है। सो इनटू वन करोगे एंड यहाँ माइनस में कैलकुलेशन लाओगे ताकि आपको इनिशियल कॉस्ट मिल जाएगी। यही इसको ही आप बोलोगे, मतलब आप अच्छे से लिख देना इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट आप जब आप अपनी नोटबुक में प्रेजेंट कर रहे हो, तब यहाँ आप एक कॉलम बना ही लेना पर्टिकुलर्स का, जिसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर यहाँ आप लिखोगे इनिशियल कॉस्ट। यहाँ इंटरेस्ट लिख सकते हो, लिख सकते क्या, लिखना ही है इंटरेस्ट नहीं, यहाँ डिविडेंड आएगा, ये ध्यान में रखना डिविडेंड। एंड देन लास्ट में आपकी आ जाएगी रिडम्पशन वैल्यू। सो इससे में आपका टेबल कंप्लीट होगा। सो कैश फ्लो 95 रुपीज़ एट प्रेजेंट पे उसकी नेट प्रोसीड है, उसको 1% से आप 1 ईयर पे तो उसकी वही वैल्यू की एट प्रेजेंट, तो 95 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर -95 आ जाएगा, फिर और एक बार और इस तरीके से। तो एक मैंने रेट लिया 11% जहाँ मेरा NPV समझो पॉजिटिव आया है, तो फिर मैं आप सेकेंड रेट नेगेटिव लाने के लिए और बढ़ा दूंगी ताकि मुझे नेगेटिव मिल सके। सो सेकेंड टाइम मैंने 12% लिया है। अब पहले ये कैलकुलेशन इस पार्ट का मैं बता देती हूँ। ओहो सबसे पहले ये कैलकुलेशन आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मिलेगा, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 11% रेट है तो क्या करोगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1.11 करोगे। सो 1 / 1.11 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो मेच्योरिटी कितनी है 10 ईयर्स तक है, सो 10 टाइम्स प्रेस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर आया 0.352। एंड रिडम्पशन वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 10th, वहाँ भी हमें 10 बार प्रेस करना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर तो ये है 0.352, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पहले लिख दो एंड बाद में GT प्रेस कर दो ताकि टाइम सेविंग हो जाएगा ना, आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ। सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है सारा कैलकुलेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ जाएगी, 11 * ये करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, ऐसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलने के बाद अब हमें हमारी जो NPV जो है वो पॉजिटिव आई है। अब NPV पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट 95 थी तो वो 95 हमने नेगेटिव अज्यूम किया ताकि हम ये दो पॉजिटिव अमाउंट के साथ उसको माइनस करके एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट प्रेजेंट बेनिफिट कितने मिलने वाला वो कैलकुलेट कर सके। सो 95 अगर आप माइनस पे लेते हो कैलकुलेटर पे, 95 प्रेस प्लस माइनस का बटन, प्लस 64.78 प्लस 35.2, सो आंसर आया कितना 4.98। सो 90 एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, 94 प्लस 94 माइनस प्लस वाला बटन प्रेस करो, प्लस 64.78 प्लस 32.5, सो 5.98 आंसर आया है। एक मिनट है, सो यस ये 0.498 जो आंसर आया है
वो आप इसमें से माइनस करके करोगे एंड देन एंड फिर 12% डिस्काउंटिंग करोगे सेम वे। कैसे करोगे, 1.1 डिवाइडेड बाई 1.12 प्लस 10 टाइम्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0.3219 ऐसे कुछ आ रहा है आंसर। तो वहाँ से ये लिख दो ना पहले एंड बाद में जीटी प्रेस कर दो ताकि आपको 562 सो 5.625 वाली फिगर मिल जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलेशन करते समय कैश फ्लो का अब इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको या इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको आंसर मिल जाएगा। सो कैसे 62.15 कैसे ऑब्टेन होगा वो बताती हूँ फिर से। इसको आप करोगे 11 × 5.650 तो ये आंसर मिलेगा। फिर ऐसे ये ऐसे 32.2 एंड यहाँ फिर इन दोनों को ये प्लस है तो पहले इनका टोटल कर लो, 62.15 प्लस 32.2 तो आंसर आएगा 94.35, उसमें से माइनस कर दो 90.95 तो माइनस 0.65 65 आंसर आ चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको अभी तक अवॉइड करवा रही थी वो फार्मूला अब आ चुका है। सो अब कोई अवॉइड करना नहीं है, अब वो सीखना ही है। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख के देती हूँ ब्लैंक पेज के ऊपर, आप भी नोट कर लेना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर रेट, जो भी आपने लोअर रेट अज्यूम की है मतलब डिस्काउंटिंग रेट के अंदर जो कि हमारा क्वेश्चन में 11% था, प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ हायर रेट। एंड अब करना होगा यहाँ हायर रेट जो भी आपने अज्यूम किया जबकि हमारे क्वेश्चन में 12 था 12% माइनस लोअर रेट। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। सो ये टेबल तो कैलकुलेट हो चुका है, अब फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं। 11% हमने ये रेट अज्यूम की तो यहाँ 11% फिर 4.9 मतलब एनपीवी ऑफ लोअर रेट मतलब इसको ही तो हम बोलते हैं नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट बेनिफिट कितना मिल रहा है वो, तो लोअर रेट का एनपीवी 4.98 फिर डिवाइडेड बाई करोगे एनपीवी ऑफ लोअर रेट जो भी 4.98 है तो वो लिख दिया है। अब एंड यहाँ मैंने गड़बड़ ये कर दी, यहाँ मैंने फॉर्मूला के अंदर मैंने ये यहाँ गड़बड़ कर दी है, यहाँ प्लस नहीं है माइनस आना चाहिए। सॉरी आप रेक्टिफाई कर लेना यहाँ एक एंड जो भी गलतियाँ हम करते हैं उसको हो सके इतना आप रेड पेन से मार्क कीजिए कि यहाँ माइनस आने वाला मतलब हमने पहले कहीं मिस्टेक की है तो एग्जामिनेशन के अंदर जब आप देखोगे तो आपको लाल रेड पॉइंट हाईलाइट होगा कि भाई यहाँ 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 गलती होने के चांसेस है। सो यहाँ जब मतलब नॉर्मली मुझसे भी बहुत मिस्टेक होती है, अभी भी हुई है, सो रेक्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ माइनस से कर दिया मतलब रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ एक गलती है तो आप जब लिखोगे तब आप यहाँ माइनस करोगे। फिर इस तरीके से यह स्टेप मैंने बराबर किया है। सो माइनस 0. अब मतलब ये आंसर नेगेटिव में आया है ना तो मैंने इसे ब्रैकेट से इंडिकेट किया है। सो यहाँ इस तरीके से आप माइनस 0.65 ले लोगे। फिर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथ्स के कैलकुलेशन का कि लाइक यहाँ तो माइनस ही आएगा, यहाँ ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 4.98 प्लस आप 0.65 करोगे तो 5.63 मिल जाएगा और इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करोगे। एंड ये बात हमेशा याद रखना, ये यहाँ का जो कैलकुलेशन है वह 11 − 12% तो आपको आंसर 1% आएगा। तो नॉर्मली हम हड़बड़ाहट में क्या लिखते हैं 0.1 लिख देते जिससे आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा। 1% को पॉइंट में कैलकुलेट करते समय बहुत अच्छे से लिख देना कि भाई 0.1 के अंदर कैलकुलेट 0.01 है तो ये एक वो आपका एक्सीडेंट पॉइंट बन सकता है।
एंड फिर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 11.9%। सो अब ये सम यहाँ सॉल्व कर मैंने कर दिया है एंड इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम जाते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर आपको पहले का जो डिविडेंड डिसीजन का नॉलेज है वो यहाँ टेस्ट होने वाला है। सो सपोज डिविडेंड पर शेयर ऑफ फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 पर शेयर इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि आपको D1 के बारे में बताया, डिविडेंड पेएबल इन द नेक्स्ट ईयर। सो D1 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6%, मतलब कि ग्रोथ परसेंटेज भी दे दिया है परपेचुअली, ओके मतलब कि अनलिमिटेडली वो 5% से ग्रो करने वाला है। एंड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूमिंग द मार्केट प्राइस इज 25%। तो ये फॉर्मूला जो है वो आगे के मॉडल में भी हमने देखा था, तो यहाँ ऐसा कुछ नया मॉडल आ नहीं रहा है। अगर प्रीवियसली याद होगा तो अभी भी आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ये वाला फॉर्मूला आप अपनी बुक के अंदर लिख लोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई P0 मंथ की डिविडेंड सॉरी मार्केट प्राइस एट मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस ग्रोथ। तो D1 आपको दे दिया यहाँ 1%। सो 1% के ऊपर ये यहाँ कवर हो रहा है ₹1। सो यार ₹1 ले लिया है, फिर P0 मतलब मार्केट प्राइस भी आपको दिया डायरेक्टली 25 रुपीज़। अब इसमें 0.6 ग्रोथ ही तो ऐड करनी है, ऐसे 10% कॉस्ट मिल चुकी है। एंड आगे का ये जो पार्ट है वो कुछ भी काम का पार्ट नहीं है। इन्होंने यहाँ क्या किया बता आपको, ऐसा होगा तो कैसा होगा, मतलब सपोज अब 5% डिविडेंड ले लिया, फिर 2%, अरे तब की सिचुएशन तब देखेगी। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उतनी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ तक ही है, तो यहाँ का पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन